أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم زاريس students خيرات سيناء الحمد لله كثيرا. الحمد لله أحب لوجو كدين أشجع قصر راي روزي इतनी जल्दी वक्त गुजर गया आठ रोजे हमारे मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा नवाफिल किए एक्स्ट्रा काम किए कल हम कुर्बानी के बारे में पढ़ रहे थे ना आपने इस पर गौर किया कि मैं आजकल कौन सी कुर्बानी कर रही हूं मैं कोई कुर्बानी करती भी हूं कि नहीं करती अल्लाह की खातिर जी क्या किया कोई बताएंगे आप कि कौन सी कुर्बानी आप लोगों ने की नींद की कुर्बानी की वक्त का सदका किया नींद नफ्स की कुर्बानी की सबर किया सबर असल में क्या होता है जज्बात की कुर्बानी सबसे मुश्किल काम हु? कि हमने हमें जब अपने जज्बात की कुर्बानी करनी पड़ती है हमारा दिल चाह रहा होता है कुछ करने को या हमें गुस्सा आ जाता है लेकिन हम फिर सबर कर ज़... जाते हैं हम कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं शो करते नो no शाउटिंग बच्चों के साथ मसन और फिर जब आप रोजे की हालत में होते हैं कभी नींद का गलबा होता है कभी भूख लग रही होती है चिड़चिड़ापन आ रहा होता है लेकिन उसके बावजूद जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये भी हमारी जज्बात की कुर्बानी होती है ना गुस्से को रोकना जी मैं इस पर गौर कर रही थी कि अः मसन इब्राहिम की जो कुर्बानी थी और अल्लाह ने उनको हुकुम दिया था ना और अपने बेटे तक को वो कुर्बान करने को तैयार थे फिर हम देखते हैं कि जब अल्लाह तला ने उनको हुक्म दिया कि वो हजरत हाजरा और इस्माइल जो कि अभी बेबी थे उनको छोड़ करके आए तो वो उनको जब छोड़ते हैं तो हजरत हाजरा क्या पूछती है उनसे कि क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया उनने सिर्फ सर हिलाया था यानी उनके लिए वो काम बहुत मुश्किल था लेकिन क्योंकि अल्लाह का हुक्म था उन्होंने उस पर अमल किया और हजरत हाजरा की आप कुर्बानी देखें कि अल्लाह की खातिर अब वो वहां पर हैं और फिर जब वो उनका बच्चा इस्माइल अलैहि सलाम को जब भूख लगती है और वो दौड़ती हैं सफा और मरवा की पहाड़ी के दरम्यान कि कुछ बंदोबस्त हो जाए खाने का पीने का यानी पानी का कहीं से बंदोबस्त हो जाए तो उस कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कितना यानी उसको कुबू, यानी कबूलियत का दर्जा अता किया और रहती दुनिया तक यानी अब जो भी उम्र पर जाता है जो भी हज पर जाता है आप देखें कि हम सही करते हैं ना सात दफा तो वो आ, वो वाली कुर्बानी जो उन्होंने की थी हालांकि आप देखिए अपने बच्चे के लिए कर रही थी लेकिन क्योंकि वो अल्लाह ताला के रास्ते में थी अल्लाह के हुक्म से वहां थी और अल्लाह के हुक्म से होते हुए वहां पर जब उनको सहरा था वो जी और अल्लाह के हुक्म से वो वहां पर थी लेकिन जब उनको अपनी कोई नीड यानी सामने आ रही है बच्चे की नीड आ रही है उसके लिए दौड़ धूप कर रही है तो वो भी अल्लाह ताला को कितनी पसंद आई और अल्लाह ताला ने उसको कबूलियत का दर्जा अदा किया तो हम भी जब अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है तो उस वक्त जब हम कुर्बानी दे रहे होते हैं वो बजहिर जो कुर्बानी होती है हो सकता है कि वो आ, हमें ऐसा लगता है कि हम यानी अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं या हम आ, अपनी जात में दे रहे हैं या, यानी पर्सनल चीज भी हो सकती है लेकिन क्योंकि आप अल्लाह ताला के रास्ते में हैं तो जब भी आप कुर्बानी करेंगे ना जो कुछ भी आप करेंगे मसल हो सकता है कि कोई इस वक्त बीमारी की हालत में यहां बैठा हो क्यों क्योंकि अल्लाह ताला के रास्ते में हम हैं तो इस वक्त अगर आप किसी मुश्किल से भी आते हैं कुर्बानी कर कर आते हैं तो जिसकी जितनी कुर्बानी होगी अगर वो वाकई अल्लाह ताला के लिए होगी तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे इनशा और उसको यानी उसका बदले इंसान को और ज्यादा अजर मिलता है जितनी हमारी कुर्बानी होती है तो जब भी हम अल्लाह के रास्ते में कुछ भी लगाते हैं ना तो वो उसमें अखलास का होना बहुत जरूरी होता है और ये कहाँ से आता है कि जब हमारे अंदर तकवा होता है और कल की दो दिन से हम पढ़ रहे थे ना आयत नंबर ट्वेंटी सेवन और इसमें एक बहुत जो स्ट्राइकिंग जो आयत है इनमा या तकबल्ला मिनलमुतकीमां तकबल्ला मिनलमुतकीन कबूलियत का जो अमल का यानी कबूलियत अमल का जो मदार है वह और तकवा पर है और इसके बारे में हमें मुख्तलिफ जो सलफ हैं उनके बारे में पता चलता है हज़रत आमिर अपनी वफात के वक्त रो रहे थे तो लोगों ने अर्ज किया कि आप तो उम्र भर साल और इबादात में मशगूल रहे फिर रोने की क्या वजह है तो फरमाया तुम ये कहते हो और मेरे कानों में अल्लाह तला का ये इर्शाद गूंज रहा है तकबल और मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरी कोई इबादत कबूल भी होगी या नहीं यानी आप देखें कि इंसान इबादत में आगे कितना बढ़ता है क्यों बढ़ता है क्योंकि उसको इस बात का खौफ होता है कि पता नहीं ये कबूलियत का दर्जा इसको मिला कि नहीं मिला मेरी इस इबादत को वसन आज कल अगर हम ज्यादा नवाफिल पढ़ लेते हैं या लंबे क्याम कर लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने आज चले बीस रकत पढ़ ली तरावी या हमने आज दो जुज पढ़ लिए तीन जुज पढ़ लिए या हमने सदका इतना कर लिया और हम करके खुश हो जाते हैं कि हमने ये 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 नहीं किया कर ली लेकिन हमें से कितने लोगों को ये याद रहता है कि अल्लाह ताला मतकी से ही कबूल करता है तो हमने जो किया क्या उसके पीछे तकवा था या नहीं था इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और जी तु ने फरमाया कि अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि मेरा कोई अमल अल्लाह तुमने कबूल फरमा लिया तो ये वो नेमत है कि सारी जमीन सोना बनकर अपने कब्जे में आ जाए तो भी मुझे उसके मुकाबले में मैं उसको कुछ ना समझू अब देखे कुबूलियत की फिकर यानी एक एक आप सोचें कि जो हम यहाँ पर वक्त गुजारते हैं एक लम्हा भी जो गुजारते हैं एक मिनट भी जो गुजारते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने इसको कबूल कर लिया तो वो क्या कहते हैं कि सारी जमीन सोना बन करके मेरे कब्जे पर आ जाए तो मुझे यानी उसके मुकाबले में उसको कुछ भी नहीं समझूंगा हम इस जमीन की छोटी सी चीज जमीन का सोना तो आप छोड़ दें लेकिन थोड़े से फायदे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ना हम जल्दी जल्दी करते हैं जब हम कोई नेकी का काम भी करते हैं ना कोई नवाफिल भी करते हैं और कुर्बानी होती क्या है जो एक्स्ट्रा चीज हम कर रहे होते हैं ना फराइज से अलाव, के अलावा होती है किसी की आप हेल्प कर देते हैं वो और कुर्बानी के दर्जे पर ही आप किसी की मदद कर सकते हैं यानी आप खुद अपने घर में आपको बहुत काम हो सकता है कि हो लेकिन आपको पता चलता है कि आपकी कोई फ्रेंड है और वो बीमार है वो आपके, अपनी बीमारी का तस्करा करती है वो कहती है उठ के खाना नहीं बनाया जा रहा कुछ भी ऐसा और आप उठ करके कुछ पका कर उसको ड्रॉप करके आ जाते हैं उसकी इयादत के लिए चले जाते हैं तो आप सोचें कि उस वक्त जो आप कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ वो यानी मकबूलियत का दर्जा रखती है क्योंकि आपने अपनी ज़ात के ऊपर उनको तरजीह दी ना तो ऐसी छोटी छोटी हमारे जिंदगी में अम्म ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं रोजमर्रा आती हैं जहां पर हो सकता है कि, कि किसी और को जरूरत हो और आपको मुश्किल भी लग रहा हो लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं अः किसी और के हिस्से का कोई काम है आपके आपने कर लिया तो आपने कुर्बानी दी ना तभी तो किया तो घर के अंदर भी आप देखें हो सकता है कि कभी ऐसा होता है ना कि हमारे अपने इतने काम होते हैं इतनी जिम्मेदारियां होती हैं फिर कभी ऐसा होता है कि मसलन हस्बैंड को कोई काम आ जाता है लंबे लंबे आवर्स उनको काम करने पड़ जाते हैं तो या उनको कभी आउट ऑफ टाउन जाना पड़ जाता है तो उनके हिस्से का भी काम हमें करना पड़ता है हमें यानी वो एक्स्ट्रा काम जो हमारे जिम्मे आ जाता है अगर फिर हम अल्लाह ताला के लिए वो करें और तो फिर अल्लाह सन्ना तला उसको कबूल फरमाएंगे हजरत अबू दरतार फरमाया कि अगर ये बात यकीनी तौर पर तय हो जाए कि मेरी एक नमाज अल्लाह त नजदीक कबूल हो गई तो मेरे लिए वो सारी दुनिया और उसकी नेमतों से ज्यादा है सलफ़ और जितने जो सहाबा थे सहाबियात थी उनका उनकी फिक्र आप देखें कि अमल पर नहीं होती थी उनकी फिक्र अमल में तो वो बहुत आगे थे थे यानी आगे बढ़ बढ़ करके करते थे एक दूसरे से यानी उनकी जो कंपटीशन था वो नेकियों में था कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं नेकियों में और अच्छी यानी एक हेल्दी कंपटीशन जो होता है ना वो था तो उस वक्त यानी उनकी आप देखें कि फिक्र क्या है कि एक नमाज भी कबूल हो गई तो सारी दुनिया की नियमतों से पढ़ करके जब इंसान के अंदर ये सोच होती है तो वो अपनी नमाज किस तरह से अदा करता होगा ना फिर तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज रमत ने एक शख्स को खत में ये नसाहे लिखे यानी नसीहत की कि मुझे तुझे मैं तुझे तकवा की ताक़ीद करता हूँ जिसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता और अहले तकवा के सिवा किसी पर रहम नहीं किया जाता और इसके बगैर किसी चीज पर सवाब नहीं मिलता इस बात का वास कहने वाले तो बहुत हैं मगर अमल करने वाले बहुत कम हैं यानी बहुत से लोग हैं जो इसको इसकी याद दहानी तो कराते हैं लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो फिर तकवा पीछे रह जाता है तकवा की फिक्र नहीं होती तकवा भूल जाता है फिर हजरत अली मुर्तदार ने फरमाया कि तकवा के साथ कोई छोटा सा अमल भी छोटा नहीं है और जो अमल मकबूल हो जाए वो छोटा कैसे कहा जा सकता है यानी छोटा सा अमल क्या हो सकता है मुलन आप कहीं पर जाते हैं और Uh, मसन मस्जिद में जाते हैं फंड रेजिंग डिनर है या कुछ है और आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके आपके बाद आते हैं आपके पास एक खजूर है दूसरे के पास कुछ भी नहीं है आपने अपनी आधी खजूर, खजूर तोड़कर उनको दे दी किसी और को दे दी किसी और के साथ शेयर कर लिया तो अल्लाह तआला को ते अमल इतना पसंद होता है अगर अल्लाह के लिए किया जाए कि अल्लाह ताला एक आधी खजूर भी जो अल्लाह के रास्ते में सदका की जाती है उसको इतना बढ़ाते हैं कि वो बहुत पहाड़ के बराबर बढ़ा देते हैं तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हमारा छोटा सा अमल उसको इतनी मकबूलियत हो मुझे याद आ रहा था एक ना मैं किसी डिनर पर गई हुई थी मस्जिद में तो मेरे साथ एक खातून बैठी हुई थी तो जब खाना आया तो मैं अपनी बेटी को खिला रही थी वो स्पेशल नीड्स है खुद से नहीं खा सकती तो मैं उसको खिला रही थी तो उन्होंने मुझे ना एकदम से आ, मुझे कहने लगी कि आप अपना खाना खाएं मैं इसको खिला देती हूँ मैं ये खाती नहीं हूँ मैं घर से खा के आई हूँ मैं इसको खिला देती हूँ और जैसे घर वाले होते हैं ना ये उनकी जो उनका जो अमल था ये हो सकता है आपको लगता हो कि ये बहुत ऐसी मामूली सी बात है लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं इस किस्म की चीजें देखती नहीं हूँ कि लोग अपने खाने को छोड़ करके आपके बच्चों को खाने खाना खिलाएं और फिर वो उन्होंने ऐसे खिलाया जैसे कोई अपने बच्चे को खिलाता है उसके बाद वो बिल्कुल मुझसे जैसे बेनियाज हो जाता है ना इंसान की उसने कोई बड़ी बात की नहीं और ये बहुत साल पहले की बात है लेकिन मुझे आज तक आ, उनकी ये नेकी याद है और मैं यही सोचती हूं कि आ, उनको उन्होंने तो शायद सोचा भी नहीं कि उन्होंने कोई नेकी की या कोई बड़ा काम किया लेकिन हो सकता है कि यही एक नेकी उनके नाम में बहुत ज्यादा वजनी हो जाए अल्लाह चाहे तो और यही उनके लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाए यही उनके लिए जन्नत में दर्जात का सबब बन जाए हमें नहीं पता होता ना तो आप आ, सोचते हैं जब किसी के बारे में कोई कोई ऐसी आपके साथ कोई नेकी करता है तो आपके दिल से उनके लिए दुआ निकलती है इतने साल बाद भी मुझे याद आती है वो बात तो मुझे मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि उन्होंने अपने ऊपर तरजीह दी और आप देखिए एक आम बच्चा होता है जब आप यानी हम तो उसको भी नहीं पूछते किसी और का बच्चा रो रहा हो तो हम अनॉय हो जाते हैं कि इन्होंने कितना शोर किया है कभी आपने ट्रैवल किया हो आ, जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं और बच्चे रोने लगते हैं तो फिर आ, कैसा हम लोग रिएक्ट करते हैं ना हमें होता है कि अभी हमें नींद आ रही है इतनी लंबी फ्लाइट है और किसी के बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा ये कि आप यानी किसी छोटे बच्चे को ऐसे खाना खिलाने लगे और वो बच्चा जो कि स्पेशल नीड्स हो आपने देखा होगा कि कभी कोई यानी किसी को भी आप किसी बूढ़े को भी शख्स को भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब उनकी वो कैपेसिटी नहीं रहती है और खाने की या ये कि कभी मुंह से राल बह रही है तो देख के मोस्टली लोगों को कराहत आती है ऐसी चीजों को लेकिन उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए कोई करना बहुत बड़ी बात होती है ये तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नेकियां करने वाला बनाए जो ऐसी कुर्बानी करने वाला बनाए जो हमारी नजर में तो इतनी छोटी हो कि हम देख हम उसको करके भी भूल जाएं लेकिन अल्लाह ताला के नजर में वो बहुत बड़ी हो और अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनको नी वो قیامت के दिन जब हमारे सामने आए तो हम उसको देख करके खुश हो जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी हमारे अमल की कबूलियत की तो ये सारी बातें हमारे लिए याद दहानी के लिए हैं कि हम जब भी कोई अमल करें कोई छोटे छोटा अमल भी करें ना तो खुशी से करें अल्लाह के लिए करें ताकि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए चलिए आज के लेसन की तरफ आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हाबील और काबिल का किस्सा पढ़ रहे थे आज हमारा डे सेवेंटीन है और इनशाला आज भी हम आयत नंबर ट्वेंटी सेवन पर ही उस ताजा बात करेंगी और आज के टॉपिक में आप देखेंगे कि हसद का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है और हसद के बारे में हम जानेंगे कि हसद क्या है और हसद और रश्क में क्या फर्क है यानी हसद किसको कहते हैं अपने आप को एनालाइज़ करेंगे हम कि हमारे अंदर ये कब या कौन सी बातें हम करते हैं कौन से हमारे एक्शंस ऐसे हैं जिससे हसद झलकता है फिर इसके नुकसान क्या होते हैं यानी जो हास्त है उसको भी नुकसान पहुंचता है और जिससे हसद किया जाता है उसको भी नुकसान पहुंचता है फिर हसद जो है इससे नजरे बद भी ये लगने की वजह बन सकती है यानी अगर किसी से हसद किया जाता है तो हो सकता है कि उससे नजरबद भी लग जाए फिर हसद से बचाव के तरीके हम देखेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा, जा सकता है या ये कि हाशित के शर से बचा जा सकता है तो ये हमारे आज के लेसन के कुछ हाइलाइट्स हैं है हम दुआ के साथ आगाज करते हैं सब लोग दुआ कर लीजिए और अब भी है मेरे रब मुझे मजीद फरमा आमीन इंशाल्लाह शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله, أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته क्या हाल है सबका अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नतों का क्या हाल है अदा हो रही है। अगर पूरा रमज़ान आप पाबंदी के साथ अदा करेंगे और पूरी तवज्जो के साथ तो इंशाल्लाह बाद में भी आदत पड़ जाएगी आदत बनाने के लिए एक काम को कई बार करना पड़ता है मुसलसल करना पड़ता है रहीम कल किसी ने सवाल किया था कि जुहर की पहली चार सुन्नतें अदा करने का तरीका क्या है क्या चार रकतें इकट्ठी पढ़ी जाएंगी या दो दो करके पढ़ी जाएंगी तो इस सिलसिले में सुन नबी दाऊद की एक रिवायत है इब्न उमर रजी अल्लाह अनहुमा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल लैली वन नहारी मसना मसना रात और दिन की नमाज दो दो रकत है तो इससे ये पता चलता है कि जोहर की पहली चार सुन्नतें दो दो करके पढ़ी जाए दो रकत पढ़ के सलाम पेर के फिर दो पढ़ी जाए तो ये मसनून है लेकिन चार इकट्ठी पढ़ने का भी जवाज़ मिलता है दो दो रकतों के बारे में तो वाज हदीस मौजूद है लेकिन चार रकत एक ही सलाम से पढ़ने वाली रवायात ऐसी हैं जिनके अल्फाज सिर्फ यूं मिलते हैं कि काना ला यदाउ अन कबल जुहरी। नबी सल्लाहर से पहले चार सुन्नतें कभी नहीं छोड़ते थे तो इसमें चूंकि चार का लफ्स आया कि चार सुन्नतें पढ़ते थे तो बहरहाल मौजूद है कि एक ही सलाम के साथ चार ही पढ़ ली जाएकोर्स बीच में दो रकत के बाद बैठा तो जाएगा अतः पर इसमें हमत क्या है आप देखिये कि मर्द हजरा बाज़ात मस्जिद में दाखिल होते हैं काफी टाइम होता है तो दो दो करके चार पढ़ लेते हैं और बात बस इतना टाइम होता है कि सिर्फ दो ही पढ़ी जा सकती है तो वो भी फिर महरूम नहीं रहता दो पढ़ के नमाज में शरीक हो जाता है और बाद में फिर चार अदा कर लेता है दो दो करके ठीक है चार को इकट्ठा पढ़ने का जवाब इस तरह भी मिलता है कि जैसे बित्र की नमाज है ना तो हदीस में आता है सला तोल्लई मसना मसना रात की नमाज दो दो रकतें हैं और फिर जब सुबह का डर हो तो एक रकत मित्र बना लिया जाए तो इस तरह भी पढ़ी जाती है और बाज लोग इकट्ठी तीन रकते बग़ैर दरमान में अतह याद किए या सलाम फेरे इकट्ठे तीन बितर पढ़ लेते हैं कभी पांच भी पढ़ लेते हैं इसी तरह बगैर सलाम फेरे कभी सात कभी नौ यानी एट अस्ट्रेच पढ़ते चले जाते हैं जोहर की सुन्नतों के अलावा जुमे की सुन्नतें अब्दुल्ला बिन उमर रजील्लामा से रिवायत है उन्होंने रसुल्लाम की नफल नमाज को बयान किया और कहा कि आप जुमा के बाद कोई नफल नहीं पढ़ते थे यानी मस्जिद में हती के वापस तशरीफ ले जाते फिर अपने घर में दो रकतें पढ़ते थे यानी घर जाकर लेकिन एक और रिवायत जो सही मुस्लिम की है उसमें हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है उन्होंने कहा कि रसूल वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई जुमा पढ़ चुके तो उसके बाद चार रकतें पढ़े यानी दो दो करके नमाज जुमा पढ़ के फिर दो रकत फिर दो रकत अब आप देखिए कि यहाँ एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल है और एक आपका कौल है जब आपका फेल और कौल दो अलग अलग चीजें हों तो उसमें जो कौल होता है वो हमारे लिए होता है यानी हुक्म होता है आपका और उम्मत को वो करना होता है जैसे बितर के बाद कोई नमाज नहीं लेकिन ये पता चलता है कि आप वसल्लम दो रकत बैठ के पढ़ा करते थे तो फिर इसमें कैसे तदबीक करते हैं कि वो अमल आपके लिए खास है कुछ अमाल आपके लिए खास होते थे लेकिन उम्मत को क्या करना चाहिए जो उन्हें करने का हुक्म मिला है कि ऐसे करो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या जुमा से पहले भी कोई सुन्नतें हैं यानी चार सुन्नतें हम अदा करेंगे जैसे जहर की नमाज से पहले चार सुन्नतें पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जुमे की नमाज में सिर्फ तहैयतलमस्जिद है यानी जब आप मस्जिद में दाखिल हो तो आप दो रकत पढ़ लें ठीक है लेकिन वैसे बाकायदा कोई सुन्नतें नहीं है जुम्मे की जैसे जोहर की सुन्नतें होती बात वाज हो गई चलिए ठीक है नहमदीला रसूल करीम अम्माबाद फूजान बिस्मिल्लर رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي عرفنا بنفسه وأسمائه وصفاته وآلائه وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته وألوهيته وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته वह हर किस्म की वही अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपनी, अपने अपनी सिफात और अपनी नेमतों का तारुफ कराया है और हमारे लिए अपनी रुबूबियत, यानी रब होने और उलूहियत, यानी इलाह होने माबूद होने के म के दरवाजे खोल दिए कि वाकई वही हमारा रब है वही हमारा इलाह है और अपना जिक्र अपना शिक्र और अच्छी इबादत के अदा करने पर हमारी मदद फरमाई है और अपनी तोहहीद में अल्लाह के लिए इखलास को अपनाने की हिदायत फरमाई और अपने मामले में शक और इलाहाद और कजी से हमारी हिफाजत फरमाई इन तमाम बातों पर हम अल्लाह सुबहान तक्र अदा करते हैं हकीकत यह है दुनिया में जितनी भी नेमतें पाई जाती हैं उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यही है कि इंसान अपने रब को सही मानों में पहचानता हो बिलहक, हक के साथ, तरीके से ऑथेंटिक सोर्सेस के जरिए कुरान सुन्नत के जरिए कायनात की निशानियों के जरिए ताकि हम रब के बारे में कोई ऐसा अकीदा न रखें ऐसी सोच ना रखें جو کے موافق نہ ہو. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن हबील और काबिल के किस्से में हम हसद के बारे में पढ़ रहे थे कि काबिल ने हबील को हसद की बिना पर कत्ल किया था हसद क्या है हसद का मतलब है कि जिस पर अल्लाह ने कोई इनाम किया हो उसको कोई नेमत दी हो तो हसद करने वाला उस नेमत को नापसंद करे और इस बात की ख्वाहिश करे कि उससे यह नेमत ले ली जाए खा ये नेमत माल की सूरत में हो मर्तबे की सूरत में किसी मकाम की सूरत में इल्म या किसी और चीज की सूरत में हो यानी दुनिया की नेमतों में से कोई भी नेमत जो किसी को मिले तो इंसान जो हसद कर रहा है वो ये चाहे कि उससे ले ली जाए बस उसे क्यों मिल गई वो उस पर तकलीफ महसूस करे उस पर खुश ना हो एक कौल यह है कि हसद यह है कि दूसरे शख्स से नमत के खत्म होने की आर्जू करना अगरचे हासद को वैसी नेमत ना भी मिले यानी जरूरी नहीं कि उसमें इंसान की ख्वाहिश ये हो कि इसको ना मिले और मुझे मिले अगर उसकी ये ख्वाहिश इतनी भी है ना कि इसको ना मिले मुझे मिले कि ना मिले इसको ना मिले तो ये क्या है ये हसद है हसद का एक दर्जा ये भी है कि इंसान दूसरे से नेमत के छिन जाने की ख्वाहिश करे और खुद उस नेमत में रगबत करे मसलन अगर किसी लड़के की शादी किसी लड़की से हुई है तो वो क्या चाहे कि ये लड़की इसको ना मिले बल्कि मुझे मिले और इस बिना पर वो उसके शोहर को कत्ल करके उस लड़की को हासिल करने की कोशिश करे मसलन इस तरह के वाकयात होते रहते हैं यानी दूसरे से नेमत छिन जाने की खाश और खुद उसी नेमत में रगबत हो यानी इंसान ये चाहे कि वो नेमत दूसरे से जायल हो जाए और उसे मिल जाए इमाम रागिब कहते हैं कि हसद का मतलब है उस शख्स के नेमत के छिन जाने की ख्वाहिश करना जो नेमत का मुस्तक है यानी वो डिजर्व करता है उसको मिलनी चाहिए मसलन एक शख्स ने कई साल तक पढ़ा है मेहनत की है अपनी हर चीज कुर्बान की अपना आराम नींद माल और उसके बाद एक डिग्री ली वो शख्स मेहनत की है उसका उसको सिला मिले लेकिन हासित क्या चाहता है कि उसको उसको क्यों मिली उसको ना मिले और मुझे ये मिल जाए और कभी हसद करने वाला उस नेमत को खत्म करने के लिए भी दौड़ धूप करता है यानी कभी ये ख्वाहिश नहीं भी होती कि मुझे मिले मसलन डिग्री तो आपको तभी मिलेगी जब आप खुद मेहनत करेंगे लेकिन आप इस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि लोगों के अंदर ऐसे शकुक व शुभात फैलाए जाए कि लोग उसकी सनत का यकीन ही ना करें उस डिग्री का यकीन ही ना करें कि इसने तो नकल मार के ये ली है या इसने तो पैसे दे के ये ली है वगैरह वगैरह इस तरह की बातें फैलाएं इमाम नबी कहते हैं कि हसद की दो अकसाम हैं एक हकीकी हसद और एक मजाजी हसद हकीकी हसद ये है कि नेमत वाले से उसकी नेमत के खत्म होने की ख्वाहिश करना और मजाजी हसद क्या है उस जैसी नेमत की आरजू करना जो दूसरे के पास है और यह तमन्ना ना करना कि वो नेमत वाले से खत्म हो इसको अरबी में गिबता भी कहा जाता है गिबता ता गोलता गिबता का माना उर्दू में रश्क किया जाता है रश्क तो रश क्या है कि आप यह ना चाहें कि दूसरे की नेमत छिन जाए और ना ही आप उसके पास उस नेमत को नापसंद करें बल्कि आप खुश हो ठीक है उसके पास है तो है लेकिन आप ये चाहें कि आपको भी ये नेमत मिल जाए तीन सूरतें बन जाती है ना एक क्या कि आपको किसी की नेमत पसंद नहीं और आप चाहते हैं उससे चली जाए दूसरी ये कि उसकी नेमत चली जाए और आपको मिल जाए और तीसरी ये कि उसकी उसके पास ही रहे और मुझे भी मिल जाए अब ये जो तीन किस्म है इसमें से किसी ना किसी दर्जे में कोई ना कोई किस्म हमारे अंदर पाई जाती है हम इंसान हैं यानी हर इंसान में हसद का या रश का ये जज्बा मौजूद है और मजमूम से लोग उसमें भी मुबतला है जो पहली किस्म का है बहुत कम इंसान उससे बचे हुए हैं लेकिन दूसरी किस्म का रश्क जो है गिप्ता जो है मजाजी हसद जो है कि किसी के पास है तो मुझे भी मिल जाए तो इसमें आप देखिए कि इसमें ऐसा रश करना या ऐसी गिप्ता रखना कोई मजमूम चीज नहीं है कोई बुरी चीज़ नहीं है आप किसी को किसी आला मकाम पे देखते हैं नेकी के मसलन तकवा के मसलन कोई हज पे जा रहा है तो जब भी आप सुनते हैं कोई हज पे जा रहा है या उम्रे पे जा रहा है तो आपके दिल में एक दफा क्या ख्याल आता है काश में भी जा सकती होता है ना नेचुरल क्या ये बुरी बात नहीं बुरी बात नहीं है आपने किसी को एक अच्छा काम करते हुए देखा आपको ख्याल आया कि काश मैं भी कर लू अल्लाह मुझे भी नसीब करे आपको ये दिल में नहीं आ रहा कि वो ना जा सके तो इसमें कोई हरज नहीं है ये इंसान की फितरत में और ये होना चाहिए इससे इंसान के अंदर अच्छी आदात पनपती है कि जब वो दूसरे को किसी मेहनत के बाद कामयाबी हासिल करते देखता है और खुद भी उस चीज को आइडियालाइज करता है मसलन मुझे पीएचडी का ख्याल कैसे आया मुझे कैसे शौक पड़ा मेरे एक कजन थे मुझसे बड़े तो वो पीएचडी कर रहे थे तो घर में कुछ न कुछ बातें होती रहती थी तो मुझे उनको देख के रश्क आया तो मैंने सोचा कि मुझे भी करनी चाहिए और फिर उस नहज पे मैंने सोचना शुरू किया और जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो साथ, साथ मुसलसल जहन में ये रहता था कि ये मैंने करना है यहीं पर नहीं रुक जाना इससे आगे भी जाना है तो इस तरह का जो रश्क होता है किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देख कर इंसान अपनी जिंदगी की प्लानिंग अकॉर्डिंगली करना शुरू कर दे किसी को बुराई नहीं हजरत आयशा के बारे में आता है वो कहती है मैंने किसी पे इतना रश्क नहीं किया जितना खदीजा रजी अल्लाह अनहा पे किया हालांकि मुझसे तो आपने निकाह उस वक्त किया जब वो इंतकाल कर चुकी थी वो तो ऑलरेडी दुनिया से जा चुकी थी लेकिन वो किस बात पे रश्क करती थी इस रश की वजह यह थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को जन्नत में मोती के एक ऐसे घर की बशारत दी थी जिसमें न शोर शक्फ हो और न तकलीफ और ईजा की कोई बात हो यानी वो इतनी नेकियां कर गई कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको इतनी स्पेसिफिक खुशखबरी दी आप देखें कि बहुत से लोगों के बारे में आता है कि उनको जन्नत की खुशखबरी दी गई दुनिया में लेकिन किस तरह की जन्नत ये नहीं पता चलता जरत तो खदीजा की जो जन्नत है वो तो बायदा डिस्क्राइब की गई है कि कैसी जन्नत है तो इस बिना पर हज़रत आयशा को उन पर रश्क आता हम भी ये हदीस कई दफ़ा पढ़ते हैं कि हमें भी कभी रश्क आया कि हम भी कुछ करें और हमारा भी कोई ऐसा महल हो हम तो सारी तवज्जो दुनिया के महल्लात पे दिए हुए हैं किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं कोई खूबसूरत सा घर नजर आता है तो हम आइडियलाइज कर लेते हैं मैंने भी जब घर बनवाया ना ये वाला डिजाइन बनवाऊंगी ऐसा ही है ना हम वो सबसे छोटे वाले जो दो कटे कट्ठे डॉट्स हैं ना उनके बीच में जब रह रहे हैं ना बस हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं उससे आगे नहीं सोचते कि वो जो हमेशा की जिंदगी है उसमें ऐसा घर मिल जाए तो बहरहाल हसद का जज्बा इंसानी फितरत में है इंसान चाहे तो उसे मजमूम हसद की तरफ ले जाए और चाहे तो उसको महमूद हसद की तरफ ले जाए चीज इंसान के अंदर मौजूद है और किसी वजह से रखी गई आप ये जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशन है ना ये सारे किसी वजह से हमारे अंदर रखे गए मैं सुनू गुस्सा गुस्सा होने की भी एक वजह है हमारा काम क्या है इन इमोशंस को चैनलाइज़ करना इनको सही रुख पर रखना इनसे पॉजिटिव काम लेना इससे मजमूम नहीं महमूद काम लेना जो काबिल तारीफ हो इसी तरह एक और हदीस भी है कि साहिब इल्म और कुरान पर रश किया जाना चाहिए अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह कहते हैं मैंने रसूल को यह फरमाते हुए सुना हसरत यानी रश तो सिर्फ दो आदमियों पे किया जा सकता है एक वो जिसे अल्लाह ने का इल्म दिया और वो दिन रात की घड़ियों में उसके जरिए से क्याम करता है यानी नमाज में भी क्याम होता है और दूसरा लोगों को सिखाने के लिए भी क्याम होता है क्याम का मतलब है तो इस काम पे कायम है और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो दिन रात उससे सदका करता रहता है कुछ ना कुछ निकालता रहता है कुछ रात को निकालता है कुछ दिन को निकालता है यानी yani हमेशा वो सदका करता ही रहता है ऐसा शख्स भी काबिल रश्क है वो जब करता है तो उसको देख कर अगर दिल में ख्याल आता है काश हम भी कर सकते तो ये जो आपकी नीयत है ना और सच्ची नीयत वाकई अगर आपके पास आए और आप भी कर दें तो फिर इससे क्या होगा आपको नीयत का भी अजर मिल जाए ये इतना महमूद रश्क है ये एक अच्छी पॉजिटिव नीयत बन जाती है जो इंसान के लिए बायस रहा है क्योंकि हदीस में आता है ना कि जब एक इंसान अच्छी नीयत करता है और वो काम कर नहीं पाता तो भी उसको उसका अजर मिल जाता है लेकिन जिस हसद की मजम्मत की जाती है वो कौन सा हसद है वो वो हसद है जिसमें इंसान किसी की नेमत पर गुस्सा करता है जलता है कुड़ता है ये वो हसद है जो इबलीस ने किया जिसने इस हसद की बिना पर अल्लाह की आसमानों में सबसे पहले नाफरमानी की यही वो हसद है जिसके साथ जमीन पर अल्लाह की नाफरमानी की गई किसने की काबिल ने की इबलीस ने आदम सलाम से हसद करते हुए उनको सजदा ना किया जबकि अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया था और काबिल ने अपने भाई काबिल से हसद किया कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली चनाचे उसने उसको कत्ल कर दिया तो दोनों में आप देखिए पीछे क्या है अल्लाह का फैसला अल्लाह का हुक्म इबलीस को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि सजदा करे उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया काबिल को यह समझ नहीं आई कि ये तकसीम अल्लाह की है ये कबूलियत अल्लाह की तरफ से हुई है मेरे भाई का इसमें कोई हाथ नहीं है वो नहीं कुछ कर रहा लेकिन उसको बात समझ नहीं आई फिर यह कि करीबी रिश्तों में भी हसद मुमकिन होता है हजरत यूसुफ आलम की मिसाल हमारे सामने है हाबिल और काबिल की मिसाल हमारे सामने है कि भाइयों में हसद है फिर यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया किया गया जो कि अहले किताब ने किया। कुराने मजीद में आता इब्राहिमता व आतई नजीमा या वो लोगों से इस बिना पे हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है लोगों से मुराद यहाँ कौन है रसूल ने उनको नबूवत दी है और बनी नबी नहीं पहचानते थे, जब वो आपको थे। कितना? जितना अपने बेटों को पहचानते हैं याफूनाफूना अब ना अहम तो अल्लाह उनको याद दिलाते हैं कि देखो हमने तो आले इब्राहिम को किताब और अता फरमाई और हमने उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई तुम क्यों हसत करते हो इससे पहले तो तुम्हें जहान वालों पर फजीलत थी तुम्हें ये सब कुछ मिल चुका है अब इस बिना पर कि नेमत किसी और की तरफ मुंतकिल हो गई है और तुम हसद की बिना पर ईमान नहीं ला रहे तो ऐसा हसद जो किसी के जवाल नेमत का मतमनी हो ये हराम हसद है इसकी हुरमत है ये हक पर एतराज करना है उससे इनाद रखना है अल्लाह के फैसलों पर एतराज करना है अल्लाह के फजल पर एतराज करना है कि किसी पर अल्लाह ने फजल क्यों फरमा दिया अल्लाह की तकसीम पर एतराज करना है और यह दीन को मूड देने वाली सिफत है बिन अवाम से रिवायत है कि नबी सल्लाह ने फरमाया तुमसे पहले की उम्मतों की बीमारी तुम्हारे अंदर सरायत कर गई है और वो बीमारी हसद और बग्स है जो मूडने वाली है इससे मेरी मुराद बालों को मूडना नहीं है बल्कि दीन को मुड़ना है तो हसद ऐसी बीमारी है जिससे इंसान के दीन की सफाई हो जाती उसके दीन को नुकसान देती है नबी अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम आपस में एक दूसरे से ऐसा हसद ना करें आपने फरमाया तसदु वला तब वला तताऊ वकून व इबाद अल्लाखवाना आपस में हसद मत करो आपस में बोझ ना रखो नहमी ना करो और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया लोग उस वक्त तक खैर पर रहेंगे जब तक वो आपस में हसद नहीं करेंगे यानी कोई घराना हो खानदान हो इदारा हो कोई भी जगह हो कोई बाजार हो तिजारत की जगह हो अगर वो आपस में हसद नहीं करेंगे तो उनके अंदर खैर ही खैर होगी क्योंकि कितने अच्छे रिलेशन होंगे ना तो हसद की वाइब्स होती है ना अगर आप किसी से हसद कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है वो भी बड़ी फीकी होती है वो भी पहचानी जाती और दूसरे शख्स को पता चल जाता है कि आप उसके खैर खा नहीं है तो फिर एक कोल्ड वॉर सी शुरू हो जाती है लोगों के दरमियान जो अमन और सुकून को बर्बाद कर देती है और दिल साफ नहीं रहता इंसान का दिल में जलन कुड़न आ जाती है जिसकी वजह से इंसान का नफ्स नफ्स मतमना नहीं रहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन इंसान साफ दिल वाला और जबान का सच्चा है किसी ने पूछा साफ दिल वाला कौन है आपने फरमाया परहेजगार पाक साफ जिसके दिल में ना गुनाह हो ना बगावत हो ना हसद हो तो बेहतरीन इंसान कौन है जिसके दिल में ना गुनाह हो यानी गुनाह करने के वो इरादे ना कर रहा हो ना बगावत हो और ना हसद हो पूछा गया इसके बाद कौन है आपने फरमाया जो दुनिया को बुरा समझता हो और आखरत को पसंद करता हो यानी आखरत को दुनिया पर तरजीह देता हो क्यों वलाखिरतो खैर आपका बल तो सरुनल हयात दुनिया ये हमारी कमजोरी है हालांकि ये अक़लमंदी नहीं है कि इंसान छोटी चीज पे कनात कर जाए बड़ी चीज़ के मुकाबले में लेकिन शैतान ने भुलवाया हुआ है अल्लाह सुबहान हमें हसद से पना मांगने का हुक्म दिया है कुल अवजरबल फलक्रमा खलक वातफिलोक़द वो दिन हसद। कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूं हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए और गिरो में फूंकने मारने वालियों के शर से और हाशित के शर से जब वो हसद करे हाशित के शर से अब देखिए कि हास्त कोई और भी हो सकता है और हाशिद आप खुद भी किसी के लिए हो सकते तो जब कोई हाशद हसद कर रहा होता है तो उस हसद की वजह से शर भी फैलता है क्या शर फैलता है हसद हसद करने वाले को खुद जो कर रहा होता है और जिससे हसद किया जाए दोनों को नुकसान देता है हास्त को क्या नुकसान पहुंचता है नंबर एक हास्त गम और परेशानी में मुबतला रहता है उसको कभी छुट्टी नहीं होती हर वक्त जलता कुड़ता रहता है और ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है इंसान के लिए उस इंसान का गम और परेशानी इसलिए नहीं होती कि उसकी जान या माल या अहलोल में कोई मुसीबत आ गई है क्योंकि आमतौर पर तो हम गमगीन इस वजह से होते हैं ना कि हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आ गई है बल्कि उसको सिर्फ उस नेमत की वजह से गम और परेशानी लाक होती है जो उसके अलावा दूसरों को मिल जाती है और इसकी परेशानी कब खत्म होगी इसका गम कब खत्म होगा हाशिद का जब वो जिससे हसद कर रहा है उसकी नेमत ज़ायल हो जाएगी और अगर वो ना हुई तो सारी जिंदगी जलता कुडता रहेगा मसलन दो सौकने हैं एक के पास बेटा है और एक के पास नहीं है जिसके पास नहीं है उसको हसद है उससे जिसके पास है अब इसकी सारी जिंदगी किस में गुजरेगी इस तकलीफ में कि मेरा बेटा नहीं और उसका बेटा है वो वारिस बन जाएगा और मेरी नस्ल में उस तरह की विरासत नहीं आई और भी बहुत सारी चीजें उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी मेरी नहीं बढ़ेगी वगैरह वगैरह इस किस्म के जो हसद होते हैं या फिर औलाद तो बात की बात है सिर्फ अगर कोई मर्द दूसरी शादी कर ले तो वहां भी हसद का एक ऐसा सिलसिला चल निकलता है कि जिस पर उसको कोई चैन नहीं यानी आमतौर पर मैंने औरतों को बहुत ज्यादा गमगीन बहुत ज्यादा दुखी बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा अपसेट इस बात पे देखा यानी एक औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये होती है कि उसके शोहर में कोई और शरीक हो जाए है ये तकलीफ दे बात है लेकिन इस तकलीफ को अपने ऊपर इतना मुसलत कर लेना कि फिर इंसान को कोई दूसरी बात सूझे ही ना उसकी जिंदगी से हर खुशी खत्म हो जाए उसकी जिंदगी से हर नेमत चली जाए ये अकलमंदी की बात है किसी को क्या फर्क पड़ता है आप रोती रहे आप तनाई में रोती रहे रोती रहे रोती रहे रो रो के पागल हो जाए बीमार हो जाए हार्ट अटैक हो जाए मर जाए किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना तो फिर क्यों अपने आप को इंसान जलाए उड़ाए ये तो खुद को खुद ही जलाने वाली बात है बस एक चीज थी तकदीर में थी हो गई अल्लाह का फैसला है अल्लाह ने ये लिखा था उस औरत की किस्मत में इसी घर का रिस्क लिखा था ये उसका रिस्क था जो यहां लिखा हुआ था वो आ गई है अपना रिस्क लेने के लिए अब मैं कितनी देर जलू कुड़ू क्या रोने से वो शादी खत्म हो जाएगी क्या और इल्जाम तराशी और इन सारी चीजों से मसला हल हो जाएगा आप दिन रात रो रहे हैं आप अपने बच्चों के सामने कमजोर पड़े हुए हैं आप किसी काम काज के नहीं रहे आपके दोस्त अहबाब आपसे तंग आ चुके हैं क्योंकि आप हर वक्त उनको अपना एक ही दुख सुना रहे हैं कुछ हासिल रिस्क अल्लाह की तकसीम जो आपके हिस्से में ना कोई ले ही नहीं सकता किसी के पास जा ही नहीं सकता और अगर अल्लाह ने आपको कम देना है और दूसरे को ज्यादा देना है ऐसे होता है बाजू का अपनी शादी हुई फिर बच्चे हो गए फिर बेटा हो गया बेटा बड़ा काम का निकला उसने बहुत बिजनेस किया अब जाहिर उस घर में ज्यादा खुशहाली होगी ये किसने दिया ये सारा कुछ अल्लाह ने तकसीम किया ना अल्लाह ने ज्यादा दे दिया अब चैन कैसे आए कि जिसके पास ज्यादा है ना उसका हिसाब भी ज्यादा है और जिसके पास कम है उसका हिसाब कम है और जिसके पास कम है जो गरीब है का शोहर ये भी करते नई शादी की पिछली बीवी को छोड़ दिया तलाक कभी दी कभी नहीं भी दी या उसका खर्चा कम कर दिया या उसके पास विजिट कम कर दिया कई तरह के जुल्म और जातियां होती और वो बीवी सब्र कर रही है करती चली जा रही कितना आजह है उसके लिए इन नजर हूं बगैर हिसाब अगर उसने नान नफका बंद कर दिया है खर्च देना कम कर दिया है और उसकी जिंदगी तकलीफ में आ गई गरीब लोग जन्नत में कितना पहले जाएंगे पाँच सौ साल दुनिया की जिंदगी में वो जो नया कपल इंजॉय कर रहा है वो पाँच सौ साल इंजॉय कर सकता है वो ज्यादा से ज्यादा जवानी कर सक इतना होता है कि कोई एक दूसरे के साथ बहुत इश्क इश्वाशकी करे या बहुत रोमांस हो अव्वल तो शादी के बाद रोमांस वैसे ही खत्म हो जाता है जिन्होंने लव मैरिजेस भी की होती हैं अक्सर आकर रोते हैं कि शादी से पहले तो इतने वादे थे और इतनी बातें थी और शादी होती गई और मुंह मोड़ लिया गया सारी कशिश खत्म हो गई क्योंकि एक मसला यह भी था ना कि सारी बातें शादी से पहले ही कर ली थी और बाद में करने का तो कुछ रहा ही नहीं था जो लोग शादी से पहले ऐसी दोस्तियां नहीं करते और ऐसे हरकतें नहीं करते तो उनके पास एक दूसरे को सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है और जब वो शादी करते हैं तो काफी अरसा वो एक दूसरे को सुनाते सुनाते एक बॉन्डिंग रहती है लेकिन जिन्होंने सब कुछ ये पहले ही कर लिया हो उनके पास क्या है फिर फिर तो बोरियत है ना तो बहरहाल दुनिया की जिंदगी में कोई चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके पीछे आप इतना रोए इतना अपने आप को घुलाएं ये सब अल्लाह के फैसले हैं ये आपकी आजमाइश थी हर एक की आजमाइश फर्क होती है किसी की आजमाइश किसी और तरह थी वो किसी और तरह आजमाया गया आप इस तरह आजमाए जा रहे हैं कोई बात नहीं रजीत उबिल्ला रबन रब्बन का मतलब क्या है रब अल्लाह है या शौहर है राजिक कौन है? अल्लाह है तो अल्लाह देता है। और पहले भी वही दे रहा था अब भी वही देगा फिर आप देखें कि जिस चीज से इंसान बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना अल्लाह सुबहान उसको उसी से तोड़ता है उसी से ही कुछ ऐसे अमल ऐसी हरकत हो जाती है कि इंसान टूट के रह जाता है क्योंकि सिर्फ अल्लाह का हक है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे की जाए जब हम उसे छोड़कर औरों से करने लगते हैं तो फिर वही इंसान हमें दुख देते हैं वही तकलीफ देते हैं तो उस वक्त ब्लेम दूसरों का ना करें, क्योंकि ऐसे मौकों पर इंसान सारा गुस्सा सारा वबाल दूसरे पर डाल देता है सारी गलती इसकी है क्योंकि इसने मुझे छोड़ के किसी और को प्रेफरेंस दी है इसकी गलती नहीं गलती मेरी भी हो सकती और बात यहाँ गलती की नहीं है बात यहाँ तकदीर की है असल में भूल हमारी थी ना गलती सबसे बड़ी हमारी थी कि हम ये भूल गए कि मखलूक से इतना दिल लगाना कि वो खालिक से बढ़ जाए तो फिर यही होता है कहते नहीं 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 ऐसी बात नहीं है हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं भाई अल्लाह से मोहब्बत करते हैं फिर तो आपके दिल में खुशी ही खुशी होनी चाहिए हर वक्त क्योंकि आपके दिल में एक ऐसी मोहब्बत है जो हर मोहब्बत पे गालिब है जो हर वक्त आपको खुश रखती है क्योंकि जिसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा उसकी याद सबसे ज्यादा होती और जिसकी याद सबसे ज्यादा होती है फिर वो इंसान को खुशी देती रहती फिर कोई और याद करे या ना करे कोई इंसान बॉदर करता यानी अगर अल्लाह की मोहब्बत सबसे बढ़कर है तो फिर आपको किसी इंसान ने याद नहीं किया सो so वट क्या हुआ कहते हम इंसान है ना हमें मोहब्बत तो चाहिए ना इंसानों से बिल्कुल चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के बारे में फरमाया था रुजिक तो हब्ब मुझे उनकी मोहब्बत का रिस्क मिला है ये रिस्क होता है जैसे खाने पीने का रिस्क होता है ना ये मोहब्बत भी रिस्क होती है किसी को ये रिस्क बहुत ज्यादा मिल जाता है और किसी को ये बिल्कुल नहीं मिलता ये बहुत थोड़ा होता है बिल्कुल तो मैं नहीं कहती लेकिन थोड़ा होता है तो सबर इंसान कैसे करे कि मेरी किस्मत में इतना ही रिस्क है जितना माल का रिस्क है ना मेरी किस्मत में बस जो अल्लाह ने मेरे लिए डिसाइड किया ये मोहब्बत का रिस्क भी बस इतना ही था कोई बात नहीं अल्लाह ने और जो इतना कुछ दिया हुआ है असल में आप अपने आप को नहीं ना पहचानते अपने साथ वक्त नहीं गुजारते अपने ऊपर होने वाली नियमतों को भुला देते हैं अपना ना जर्नल बनाए लिखा करें चीज़ों को मुझे अल्लाह ने कौन कौन सा रिस्क दिया है मुझे अल्लाह ने दूसरों पर किस किस्म की फोकियत दी है मुझे अल्लाह ने किस किस फजल से नवाजा है और सबसे बढ़कर ये कि अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह की याद है अल्लाह का साथ है तो ला सो मेरे साथ मेरा रब है मुझे रास्ता दिखा देगा अब मुझे आइंदा क्या करना तो बात यह है कि हसद इसलिए मना है कि इंसान अपने आप को खुद ही नुकसान देता है यानी ये गम जो हसद की बिना पर हो ऐसे गमों में से है जिसकी कोई मिसाल नहीं कुछ गम होते हैं जो नापसंदीदा चीज के पेश आने पर पे आ जाते हैं यानी किसी अजीज को कोई तकलीफ पहुंची या अपने माल या आयाल या रिश्तेदार को कोई तकलीफ पहुंची लेकिन यहाँ पर तो ऐसा गम है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा दूसरी बात यह क्यों मजमूम है ये हसत ये हसद इंसान को अल्लाह की नाफरमानी की तरफ खींचता है और ऐसे काम करवाता है इंसान से जो नहीं करने चाहिए जिसकी मिसाल इबलीस के उसने अल्लाह की नाफरमानी की क्या किया क्या किया सजदे से इनकार कर दिया ये किसका हुक्म था अल्लाह का तो ये हसद की वजह से इनकार किया था उसने यानी हसद से सिर्फ गम ही लायक नहीं होता जलन कोड़न नहीं, नहीं होती बल्कि अल्लाह की नाफरमानी शुरू हो जाती है हसद की वजह से ही कतल हुआ कतल कोई मामूली जुर्म अब देखिए अल्लाह के हक में सबसे बड़ी चीज क्या है नमाज सजदा और बंदों के हक में हकूक बाद में सबसे पहले किस चीज़ का फैसला होगा के दिन खून का नहीं जान वाले खून का बदला सबसे पहले खून के बदले चुकाए जाएंगे तो आप देखिए कि अकबर का इरतकब करवा देता है फिर इंसान को उस हद तक ले जाता है कि इंसान हमेशा के लिए जलीलो रसवा हो जाता है नबी सल्लाम ने फरमाया जब तुम फारिस और रूम की सल्तनतों के खजाने फतेह कर लोगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी अब्दुलरहमान बिन औफ ने फरमाया हम वही कुछ कहेंगे यानी शुक्र के कलिमात जिनका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया आपने फरमाया इसके अलावा दूसरी बात होगी तुम दुनिया हासिल करने में एक दूसरे का मुकाबला करोगे फिर एक दूसरे से हसद करोगे फिर एक दूसरे से मुंह फेरोगे फिर एक दूसरे से बोगज रखने लगोगे तो हसद की वजह से क्या होता है एक दूसरे से मुंह फेर लेता है इंसान क्योंकि उसको देख नहीं सकता कि बस ये मुझे नजर ना आए कहीं और फिर बोस फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं सहाबा कि जब माल बहुत आ जाएगा ना तो फिर तुम्हारे अंदर ये बीमारियां आ जाएंगी ये नहीं कि आ गई थी या ऐसा हुआ ये मुतनबे किया जा रहा है कि ऐसा होगा जब ये सब कुछ हुआ तो जाहिर है सब लोग कोई सहाबा तो नहीं थे और सब आला दर्जे के ईमान वाले तो नहीं थे लोगों के अंदर ये चीजें आई अच्छा आज भी आप देखें कि हमारे यहाँ क्या होता है माल की वजह से भी और इसके अलावा भी जब हमें किसी के साथ हसद होता है तो फिर हमें उसकी हर बात बुरी लगने लगती है। हर बात आप ऑफिस के अंदर हैं। आप दो लोग इकट्ठे काम कर रहे थे एक की प्रोमोशन हो गई हो गई ना होता है ऐसे होता ना एक ही जगह एक ही कंपनी एक ही ऑफिस में काम करने वाले बाजुकात उनमें से किसी एक की प्रमोशन हो जाती है अब वो पहले आपका कुलीग था अब वो आपका क्या बन गया बॉस बन गया हेड बन गया अब आप अब आप देखें, उसकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आती है, तो ये शख्स कैसे लेगा दिल से आप देखिए सहाबा कराम के अंदर लीडरशिप के रोल्स कितने मुख्तलिफ रहे हैं? एक मौके पर हजरत उसामा को लीडर बना दिया गया गस्बे का जो जो बाद में फिर हजरत अब बकर के दौर में गया कभी वलीद लीड कर रहे हैं यानी एक्सेप्टेंस ले लेकिन आज हम भी बाजों का दीनी इधारों में काम कर रहे होते हैं और अपने से ऊपर वाले की बात एक नजर नहीं पाती मसला अगर हम ज्यादा सालों से काम कर रहे हैं ज्यादा अरसे से काम कर रहे हैं और बाद में कोई शख्स आके हमें ज्वाइन कर लेता है जिसका एक्सपीरियंस हमारे साथ का तो नहीं किसी और जगह का किसी और स्कूल का कॉलेज का ज्यादा है वो हमारे ऊपर हेड बन जाता है फिर हम हर कोशिश ये करते हैं कि इसकी बातों को गलत साबित करें पीठ पीछे बुरा भला कहते जब से ये आई है ना हर चीज ही बदल गई ये बहुत स्ट्रिक्ट है इनको काम करना नहीं आता इनको हमारे इदारे का पता ही नहीं है अब आपको क्या कहो कहूं? ये कहोगी तो गिब्त ही शुमार होगी वैसे तो मैं जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ इनकी हकीकत यही है असल में ये फैसला ही गलत हुआ है इनको जिम्मेदार बनाने का इनको काम करना ही नहीं आता और हमारे मुकाबले में फलान डिपार्टमेंट या फला जगह ज्यादा बेहतर काम होता है क्योंकि उनकी हेड बहुत अच्छी है या उनका स्टाफ बहुत अच्छा है या फिर ये होता है कि अगर आपका किसी के साथ एक कंपटीशन सा चल रहा है ना तो उसकी वो जो इदारों में सियासत चलती है या लेग पुलिंग होती है या उसको पीछे किया जाता है और खुद भाई आपने आगे बढ़ना तेज चलो आपने जरूर दूसरे की टांग खींच के उसको गिरा के फिर आगे बढ़ना ये दो रवैये होते हैं ना मुझे याद है कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी तो हमारी यूनिवर्सिटी हिल पे थी और मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही थी तो मुझे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी तो जब मैं देखती थी कि मुझसे आगे कुछ और लोग निकल रहे हैं तो मैं अपनी स्पीड इतनी तेज कर लेती थी कि मैंने इनसे पीछे नहीं रहना होते वो पता नहीं कौन थे स्टूडेंट ही थे वो भी यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे ना मुझे उनका नाम पता ना उनका काम पता ना उनका कुछ बस सिर्फ ये कि वो चल रहे हैं भले मेरे से आगे क्यों जाए तो मैं ये नहीं करती थी कि उनके आगे कोई चीजें फेंक के उनकी रुकावट डालू <laughs> कहती थी मुझे अपनी रफ्तार तेज कर लेनी चाहिए अगर मेरे दिल में ये है कि मैं आगे निकलू तो फिर मुझे आगे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आगे जाना चाहिए हम में से अक्सरियत खूस हमारे सब कॉन्टिनेंट में अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते और काम नहीं करते कि दूसरों से आगे बढ़ जाए उसकी बजाय दूसरों की बुराइयां शुरू कर देते उनकी उखाड़ पुछाड़ शुरू कर दे उनको गिराना शुरू कर देते हैं या फिर किसी की नज़रों में आने के लिए हेड्स की या बड़ों की नज़रों में आने के लिए उनको मुतासर करने के लिए काम शुरू कर देते हैं और यहाँ फिर क्या होता है हमारी नीयत खराब हो जाती वो काम जो अल्लाह के लिए करना था वो काम जिसके लिए हमें हमेशा का रिवॉर्ड चाहिए था वो हम अब यानी आप ना मुँह से कुछ बोल रहे हैं अंदर ही अंदर एक चीज चल रही है इसको पीछे करना और खुद आगे बढ़ना और इस अंदाज में बात करना इस स्टाइल में बात करना कि ना कह के भी दूसरा गिरा दिया जाए तो इस तरह की हरकतों से भी तोबा करनी चाहिए ताकि हमारे अमाल बर्बाद ना हो तो फिर तीसरी चीज यह है कि हाशि जो है शरीत की मुखालफत करता है ऐसे कामों का इतकाब करने लगता है जो शरीयत में मना किए गए तो चौथी बात यह कि अल्लाह के फैसलों पे नाराज होता है कि अल्लाह ने किसी को नेमत क्यों दी अल्लाह की तकसीम पर अल्लाह ताला की मुखालफत इमाम राजी कहते हैं कि तुम दरअसल हसद करते हुए अल्लाह के फैसले से नफरत करते हो तुम दरअसल हसद करते हुए अल्लाह के फैसले से नफरत करते हो और तुम अल्लाह की उस तकसीम में मुखालफत करते हो जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तकसीम की है और तुम अल्लाह के इंसाफ की मुखालफत करते हो जो अल्लाह अपनी पोशीदा और बलीग हिमत के साथ अदल इंसाफ अपनी मखलूक में कायम करता है कितनी गहरी बात है ये अल्लाह की तकसीम की मुखालफत करते हो जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तकसीम की है अच्छा बाज़ुका ऐसा होता है ना हमारे हिस्से में एक काम आता है हम मेहनत बहुत कर रहे होते हैं मगर उसका कोई आउटपुट नजर नहीं आता ठीक है वैसे दो लोग कट्ठे ग्रेजुएट हुए दोनों ने क्लासेस बनाई बाहर जाके ठीक है एक की क्लास में बहुत सारे लोग गए और दूसरे की क्लास में चंद लोग आए इस बात की तकलीफ शुरू हो गई कि दूसरे की क्लास में ज्यादा लोग क्यों आ गए हालांकि ये किसकी तकसीम थी अल्लाह की तकसीम थी क्या अल्लाह किसी पे जुल्म करता है कि आपके तरफ कम लोग आ रहे हैं तो जुल्म हो गया नहीं ये अल्लाह का इंसाफ है और अल्लाह की एक पोशीदा हमतें हैं कि उसकी मखलूक में से किस को कितना कहाँ क्या देना है बाज़ात हसद इरतदाद तक ले जाता है मर्तद हो जाते हैं लोग इमाम कुरतुबी कहते हैं कि हसद इसलिए काबिल मजम्मत है क्योंकि इसमें नवूजिल्ला सुबहान तला को बसीरत से खाली करार देना है और ये समझना कि अल्लाह ने ऐसे शख्स पे नमत किया जो उसका मुस्तक नहीं अब नयेम कहते हैं कुफर के चार अरकान हैं तक हसद गजब और शहबत फिर इसी तरह यह निफाक की अलामत भी होती है इस तरह इंसान के अंदर एक मुनाफ्त की सिफत भी आ जाती का जब आपको अपनी ही दोस्त के साथ हसद होता है तो आप ऊपर ऊपर से उसके साथ बहुत अच्छे होते हैं जबकि दिल में आप उसके साथ खुश नहीं होते वो एक दुआ भी है ना अल्लाह ऐसे दोस्त से पना चाहता हूँ किन मा किरन आई न तरानी तरबू या हसन दफन व इंद्र आ अतन अजा आहा ऐसे दोस्त भी होते हैं, हैं से पनाह मांगी गई कि उसमें एक तरह की मुनाफकत आ जाती है ना मुनाफकत की ट्रेट आ जाती है कि दिल में कुछ रखा हुआ है। और ऊपर से कुछ और है इन तमसस कुम हसन तुम व इन तुसिब कुम सैतन यु बहा फिर हसद का एक नुकसान यह है कि उससे हाशिद का दिल काला हो जाता है हासद से फिर जाता है। आप यकीन करेंसद में, से किसी भी के हसद में, तकलीफ में जब मेरे पास आए तो मैं उनसे पूछती हूँ कौन, कौन सा अल्लाह का जिक्र करते हैं लिटरली दिन रात कुरान पढ़ने वाले भी जब इस बीमारी का शिकार होते हैं तो अल्लाह का जिक्र भूल जाते हैं वो कहते हैं हम पे इतना गम छा गया है कि हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा जिक्र करें मुझे तो दुआएं पढ़ने भी भूल गई मुझे तो सुबह शाम के अजकार भी भूल गए और जो उसका साथ देने वाले मनफी लोग होते हैं उसका दिमाग इतना खराब करते हैं कि इंसान को ना अपनी ना अपनी औलाद की आकबत का कोई फिक्र नहीं रहता कि इसके कितने बड़े नुकसान होंगे यानी ये इतनी शदीद बुरी बीमारी है कि जिसकी वजह से इंसान दुनिया में भी सख्त नुकसान उठाता है और आखरत का नुकसान तो है ही है फिर हसद नजर बद लगने की वजह भी बन जाती है। इबन कहते है, हसद नजर बद को इंसान अपने आप को नजर लगा देता है यानी की वजह से नहीं होती वैसे ही बता रहे हैं। और कभी बग़ैर इरादा या उसकी तबी फितरत की वजह से उसको नज़र लग जाती तासीर असर के लिहाज से हसद और नजर बद दोनों मुश्तरक हैं यानी नजर बद से भी दूसरे को तकलीफ पहुंचती है और आपके हसद की वजह से भी तकलीफ पहुंचती है यानी अलग चीज भी नजर बद की वजह भी है, भी है हसद, लेकिन अलग से भी भी होती है, हसद के बगैर हो सकती है क्योंकि उसमें आनजबा भी होती है ना कि आप किसी चीज को बहुत वाह करते ओ, तो वो नजर भी लगती लेकिन साथ जो किसी से हसद करता ना तो हसत की निगाहों से भी ऐसी रेज निकलती हैं जो दूसरे को जाके जिस्मानी तकलीफ भी दे सकती हैं या इसके अलावा भी तकलीफें या नुकसान हो सकते हैं तो खुलासा यह है कि दीन के दाइयों को तो हर सूरत हसद से बचना ही चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए तो दीन की दावत देने वाले दीन के तलेब इल्म वो खुद भी इससे बचें और दूसरों को भी इसके नुकसान से आगाह करें और अपने दिल को मुतमिन दिल कल्ब मतम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान इस बीमारी से बचे अब देखिए कि हमारा जिस्म फना हो जाएगा ना लेकिन हमारे साथ क्या चीज़ रहेगी हमारी रूह के साथ क्या चीज रहेगी हमारे अंदर के ये एहसास हम क्या लेके मरे हैं नफ से मुतमना लेके मरे हैं या नफ से बेचैन तो हसद से बचाव का तरीके क्या हो सकते हैं सबसे पहले ये कि हसद का बदल रश्क है रश्क जो जायज़ है कि आप ये दुआ करें कि अल्लाह आपको भी ये नमत अता कर दे जानी किसी की नेमत अच्छी लगे तो जलने कुड़ने की बजाय अल्लाह से दुआ मांगे बस अल्लाह से उसके फजल का सवाल करें क्योंकि अगर किसी की नेमत ज़ायल होगी तो आपको क्या फायदा होगा जरूरी तो नहीं कि वो आपको मिल जाएगी आपको तो तभी मिलेगी जब आप पर अल्लाह का फजल होगा तो आप अल्लाह का फजल मांगे ना कि यह मांगे कि दूसरे की जो नमत है वो चली जाए फिर इसी तरह अपने ईमान पर काम करें अपने दिल पर काम करें क्योंकि हसद से बचने के वसाइल में से गहरा और सही ईमान होना जरूरी है ये हसद को जला देता है ईमान की ताकत कहते हैं कि ईमान पाक पानी जैसा है जब उसको गलाजत पे डाला जाता है तो वो गलाजत को ख़त्म कर देता है यानी गंदी जगह को गंदे कपड़े को पानी धो के साफ कर देता है यही वजह है कि एक दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं होते अगर हसद की बीमारी में मुबतला है तो याद रखिए कि ईमान या तो नाकिस है या बहुत ही कमज़ोर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती ईमान किस तरह हसद से बचाता है ईमान में हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं कि वो सारी मखलूक का रब है वो मुझे भी रिस्क देने वाला है और वो दूसरों को भी दे रहा है अगर उसने दूसरों को मुझसे ज़्यादा दिया तो वो रब है ना वो दे सकता है वो राजिक है वो खालिक है वही इनाम करता है वही मेहरबानियां करता है वही सारे खजानों का मालिक है तो इसलिए उसके फैसले उसके अतियात और उसकी नवाजिशों की तरफ मुतवजे होना चाहिए और उन पर राजी होना चाहिए अल्लाह के फैसलों पर राजी होना चाहिए और उसकी देन पर राजी होना चाहिए चाहे हमें मिला या किसी और को कुछ मिला क्या हमें हक है कि हम अल्लाह के किसी फैसले पे एतराज करें हक है नहीं है ना तो फिर ईमान का तकाजा यह है कि हम राजी हो जाए रजी तब रब अल्लाह के रब होने पर राजी हो जाए ईमान के तकाजे अगर दिल में हाजिर होंगे तो हसद खत्म हो जाएगा क्या ईमान का तकाजा यह नहीं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है इनमोम इखवा मोमिन क्या है आपस में भाई भाई हैं तो क्या तकाजा है फिर ईमान का कि ये भाई आपस में क्या करें हसद करें या मोहब्बत करें मोहब्बत करें वो हदीस याद है कि कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो ठीक है तो ये बहुत जरूरी है कि इंसान इखलास के साथ और ईमान के साथ अपने रब की रजा हासिल करे और इन बीमारियों से बचे फिर यह हसद से बचने के लिए नसीहत और याद दहानी बड़ी जरूरी है

फिर अल्लाह ताला से दुआ करना रबना फिर सबकू ना बिल ईमान वाली रहीम, ऐ हमारे रब हमें बख्शते और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान लाने में हमसे सबकत ले गए और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कोई कदूरत ना रख ए हमारे रब बेश बड़ा ही शफकत करने वाला नहायत रहम करने वाला है फिर अल्लाह मन या उदूबी कमकरक़ वमालवा फिर अल्लाह महद कल्बी व मेरे दिल को रहनुमाई दे मेरी जबान को दुरुस्त कर दे मेरे दिल के कीने को दूर कर दे तो ये इंतहाई जाम दुआएं हैं जो हमारे दिल से बुरे ख्याल को दूर कर देंगी ऐसा है कि रमज़ान जो है वो खैर का महीना है नबी वसल्लम रमज़ान में जब जबरी से मिलते थे तो किससे ज्यादा सखी हो जाते थे तेज आंधी से भी ज्यादा सखावत करने वाले थे तो जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहदा नाइनटीन नाइनटी फोर में वजूद में आया और इब्तदा में यहाँ पर कुरान मजीद की तलीम तफसी तालीमरान होता रहा फिर तालीमी शुरू हुआ फिर तालीम तजवीज़ शुरू हुआ मुख्तफ कोर्सेज शुरू हुए फिर जो लोग पढ़ के गए उनकी शादियाँ हुई फिर उनके बच्चे हुए फिर उनको अपने बच्चों की परेशानियाँ लग गई कि इनको दीन पे कैसे रखें फिर शदीद तरीन मुतालबात होने लगे कि स्कूल बनाया जाए कि जिसमें हमारे बच्चों को इब्तदा से ही बहुत सी खराबियों से म्यूजिक और बहुत से हराम चीज़ों से बचा के उनको दीन की तालीम भी साथ दी जाए तो अल्हमदी 2010 में आई थिंक स्कूल का आगाज हुआ ऐसे ही मैं सूरत नूर पढ़ा रही थी और एक खातून खड़ी अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए से जा चुकी है और दूसरी भी दुनिया से जा चुकी लेकिन उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि इतना बड़ा फैसला था इतना भारी था मेरे दिल पे कि सोच समझ के कदम उठाना चाहिए क्योंकि मासूम बच्चों की जिम्मेदारी लेना कोई आसान काम नहीं लेकिन अल्लाह से दुआएं की मदद मांगी टेस्ट बुनियाद पर एक छोटा सा समर प्रोग्राम किया और फिर उसके बाद स्कूल शुरू हुआ अब स्कूल शुरू हुआ तो अलहद माशाल्लाह बच्चे आने लग गए और अब हालत यह है कि इस वक्त अलहमद कुछ कैंपस हैं जो इस्लामाबाद में दो कैंपस हैं एक एफेट में और एक यहाँ और पिंडी में एक सी में भी है लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा कैम्पसेस हैं उनमें गुंजाइश बहुत कम है और मकामी और बैन अवी दरख्वास्तें और रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हैं जिसको मद्द नज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने टॉप सिटी में एक नया कैंपस खोलने का इरादा किया है और एडमिशन का हाल यह है कि एडमिशन डिपार्टमेंट के मुताबिक बीस मार्च सुबह दस बजे जब ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला गया तो सिर्फ पांच मिनट के अंदर पांच सौ दरखास्तें मौसू हो गई पोर्टल में क्लासेस पर लॉक लगने के बावजूद एक हफ्ते के अंदर उन्नीस सौ दरख्वास्तें मौसू हो चुकी लगा हुआ है वो लेटर ऑन वाले हैं इसकी हमारे पास कतन कोई गुंजाइश नहीं मजबूरन सिर्फ तीन से चार बच्चों तक को एडमिशन दे पाएगा टॉप सिटी में कैंपस की बुनियाद एक सादा सी तक में रखी जा चुकी है उसमें इंशाला सत्रह सो तालबीम हासिल कर सकेंगे उसकी तकमील की मुद्दत ढाई साल है तखमीना लागत जो है जो उस पर खर्च आने वाला है वो सिक्स फिफ्टी मिलियन तकरीबन पैंसठ करोड़ है क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त रुपया जो है वो बहुत डी वैल्यू हो गया है अब ये एक भारी प्रोजेक्ट है इसमें हम सबको हिस्सा लेना है और अपने लिए सदका जारिया कमाना है ये जब कैंपस बन रहा था माशाला हर बच्ची ने उसमें अपना हिस्सा डाला था और फिर सेल्स लगा लगा के और फिर किसी ने अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से इस वक्त आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से एक सौ पचानवे तलब इलम जो हैं वो कुरान हिफ्स कर चुके हैं जिनमें से तलबा की तादाद एक सौ बीस है और तालिबात पचहत्तर हैं रव साल में तकरीबन सौ तलबा कुरान मजीद हिफ्स भी कर रहे हैं इसी तरह कैम्ब्रिज प्रोग्राम है इसमें जिसमें से टू थर्टी एट स्टूडेंट्स जो हैं वो सौ फीसद रिजल्ट के साथ कामयाब हुए हैं दो साल से मेट्रिक स्टीम का भी आगाज कर दिया गया है और अब यह है कि इस वक्त चुके है एक नया कैंपस बनने जा रहा है जिस दिन मैं गई थी उसकी ओपनिंग के लिए तो बहुत सी दुआएं की कि अल्लाह सुबहान ऐसे अपराध निकले कि जो उम्मत की भलाई और बेहतरी के लिए काम करने वाले हों हमारे लिए एक बेहतरीन सदका जारी का मौका मैं आज अपना हिस्सा डालकर आई हूँ अलहदुल्ला ताकि आपको कहूं तो आपके दिल पर भी बात असर करे और आप में से हर एक कुछ ना कुछ चाहे अपना कुछ बेचना ही पड़े यहाँ पर सेल्स वगैरह लगती रहती हैं तो इसी नीयत के साथ के अल्लाह ताला हमारा हिस्सा भी डाल दे उसके अलावा फंड रेजिंग के लिए ये बुकलेट्स बनाई गई हैं जिसमें पाँच सौ की भी बुकलेट है जो आप मुख्तलिफ लोगों से इकट्ठा कर सकते हैं हजार की भी है और पांच हजार की भी है तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद भी आपके घर वाले भी क्योंकि जो कुछ भी बच्चे पढ़ेंगे और आगे करेंगे तालीम ऐसी चीज है जो इंसान के लिए सदका जारिया बनती है तो मैं सबको इस बात के लिए मोटिवेट करूंगी कि अपना हिस्सा डालना ना भूलिए और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला, ताला अपने खजानों से जिस तरह इस कैंपस को बनवा दिया था अल्लाह ताला उसको भी बनवा देगा जसाक महमदिन व अल महमदिन कमासब्राहिम व अल आल इब्राहिमीद मजीद अल्लह मबारक महमदिन व अल मुहम्मद

अल्लाह हमें पुरसकून रू अता फरमा अल्लाह हमारे दिलों से हर किस्म के मनफी जज्बात दूर कर दे और हमारे दिलों को अपने लिए खालि कर ले हमारी नीयतों को अपने लिए खालि कर ले हमें अपना खुर बता फरमा या अल्लाह नेकी का जो भी काम शुरू हो अल्लाह हमें उसमें अपना हिस्सा डालने वाला बना अल्लाह अपनी रहमत से अपने खजानों से इस स्कूल के प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इल्म हासिल कर सकें या अल्लाह हमें दूसरों तक खैर ले जाने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह तो इस काम में हमारी मदद फरमा या अल्लाह स्कूल की तामीर तो में हमारी मदद फरमा या अल्लाह सारी उम्मीदें तुझी से वाबस्त हैं अल्लाह हमारे हाथों में कुछ नहीं या अल्लाह सब कुछ तेरे ही पास है अल्लाह हम तेरी रहमत की फरियाद करते हैं या क्यूमत है या, या रबालमीन तो अपनी रहमत फरमा दे और अपनी रहमत के साथ हम सबको इस काम में बेहतरीन हिस्सा डालने की अखलास के साथ हिस्सा डालने की तोफीक़ दे जो हमारे लिए सदका जारिया बने और हमारी वफ़ात के बाद भी हमारे लिए اجر أزيم کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد बसमिल्लाकम वरम वही कसरा हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ और हमने हसद के बारे में आज पढ़ा और बहुत आई ओपनिंग था और आप लोगों ने गौर किया अपने अंदर अपने डे टू डे लाइफ में के कहीं पर मेरे अंदर मेरी बातों में मेरे एक्शंस में कहां-कहां हसद नजर आया आता है और मुझे उसको किस तरह से टैकल करना है ऐसा आप लोगों को फील होता है कि हम भी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें से हसद नजर आ रहा होता है कि हमारे अंदर हसद है हो जाती है कभी कभी जी तो अपनी जो सोचे हैं उनका जायजा लेना अपनी बातों का जायजा लेना फिर उसके बाद अपने एक्शंस का जायजा लेना कि कहीं ये हसद के बिना पर तो नहीं हो रहा क्योंकि आप देखें हसद क्या है एक बीमारी है ना और अगर किसी को भी कोई बीमारी लगती है तो वो क्या करने की कोशिश करता है उसका इलाज करने की कोशिश करता है ना ताकि वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए और जैसा कि हमने आज पढ़ा दो तीन दिन से हम पढ़ रहे हैं ना आयत नंबर ट्वेंटी सेवन अलमायदा की तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि यानी कत्ल तक हो जाता है हसद के बिना पर ठीक है तो अगर इंसान के अंदर और इंसान को पता ही नहीं चलता यानी हम देखते हैं कि हाबील काबिल के किस्से में कि जब हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली तो काबिल उसका कत्ल कर देता है सिर्फ इसलिए कि उसकी नहीं हुई ये देखने के बजाय कि मैं क्या कर सकती हूँ मैं, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरी भी कुर्बानी कबूल हो तो यहां से ना इंसान को शैतान भी जो है वो बहका कर ले जाता है और गलत की तरफ ले जाता है कि गलत काम वो करवा दे हमसे क्योंकि उसने खुद हसद किया था ना तो वो वही चीज दूसरों के अंदर भी इंजेक्ट करता है छोटे छोटे बच्चों को भी वो नहीं छोड़ता तो हमें बहुत ज्यादा इससे मोहतात होने की जरूरत है कि कहीं हमारे अंदर ये बीमारी तो नहीं है और अगर है तो इसको हमें जड़ से निकालनी है इंशाल्लाह दुआ के साथ शुरू करते हैं और अब बहली सौधरी वही अमरी

मसन दूसरे शख्स के पास कोई नेमत है और हमारे अंदर ये ख्वाहिश आती है कि ये इनके पास भी ना रहे और मुझे ये चाहिए मिसाल के तौर पर आप देखें एक घर के अंदर ऐसा हो सकता है कि मसन एक शौहर है वो बीवी के लिए एक जोड़ा लेकर के आता है और अपनी माँ के लिए दो लेके आता है क्योंकि उनकी वो जरूरत थी हो सकता है उन्होंने ही कहा हो कि मुझे चाहिए नहीं है मेरे पास तो अब बीवी को ना बीवी कहती है कि आ, मुझे सिर्फ एक दिया और अपनी माँ को दो दिया तो मुझे भी दो चाहिए अब वो जो उन माँ को दिया ना मुझे वही वाला चाहिए तब ये क्या होगा असद होगा और ऐसी बातें होती हैं आम रोजमर्रा जिंदगी में होती रहती है ना तो इससे हमें बचना है ऐसी बातों से ऐसी नेगेटिविटी से फिर अगर ये ख्वाहिश करे इंसान कि किसी के पास कोई नेमत है वो उससे छीन करके Uh, मुझे यानी उससे छिन जाए चाहे वो मुझे मिले ना मिले क्या ये हासद है हाँ. फिर अगर, अगर एक हासिद, अगर दौड़ धूप करता है मसलन अभी तो एक है ना कि एक नापसंदीदगी का इजहार है कि वो चीज अच्छी नहीं लगती किसी के घर आप गए और आपने देखा उनके पास नया फर्नीचर था ठीक है उन्होंने कोई नया फर्नीचर है ले करके रखा हुआ था और वो बहुत उसकी तारीफ कर रहे हैं अपने अपने फर्नीचर की आप घर आते हैं आप अपने हस्बैंड से कहते हैं मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा वो फर्नीचर वो तो उसमें तो ये और ये और ये खराबी थी मैं तो फला चीज ज्यादा प्रेफर करती हूँ अब क्या है कि आपको वो नहमत अच्छी नहीं लगी या कभी ऐसा होता है ना कि बहुत करीबी जो रिश्ते होते हैं उनमें आपस में जब एक का बच्चा आगे बढ़ जाता है मसना देवरानी जटानी है एक के बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ गए तो दूसरी कहती है अपने बच्चे को कि अगले बार ना तुमने उससे अच्छे नंबर लेकर के आना है उसको हरा देना है उसको आगे नहीं बढ़ने देना ठीक है तो ये क्या होगा फिर ये हसद है जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं क्या करना चाहिए कि देखो फलाश शख्स भी कर सकता है अगर वो कर सकती है या कर सकता है तो तुम भी मेहनत करो तुम्हें भी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है तुम्हारे अंदर भी ऐसा टैलेंट है तुम भी मेहनत करो तो फिर अगली बार जब दोनों अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो आप खुश होते हैं दोनों की कामयाबी से खुश होते हैं तो ये चीज फिर क्या है ये पसंदीदा है ये सही है यानी जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती, होती है ना उनको हमें चैनलाइज करने की जरूरत होती है कि हम उसको चैनलाइज करें फिर हमने पढ़ा था कि हसद की दो अकसाम है कौन सी दो अकसाम थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था उसका तो नाम बताएंगे एक थी हकीकी ठीक है और दूसरी थी मिजाजी इसमें मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो हकीकी थी क्या वो अच्छी आ, आ, यानी वो अच्छी है या बुरी है इनमें से एक अच्छी और एक बुरी है हकीकी अच्छी है या बुरी है बुरी क्यों इसमें आप देखें कि इंसान क्या चाह रहा होता है कि नेमत वाले उसे उसकी नेमत के खत्म होने की ख्वाहिश करता है कि इसकी जो नेमत है ये चली जाए फिर मिजाजी हसद क्या है इस जैसी नेमत की नर्जू करना है जो दूसरे आदमी के पास है और ये तमन्ना ना करना कि वो नेमत वाले से खत्म हो जाए कोई मिसाल आज आपने पढ़ी थी इसको क्या कहते हैं मिजाजी हसद जो है ये अः ये पसंदीदा है ये महमूद है जी इसको रश्क कहते हैं और अरबी में इसको क्या कहते हैं गिप्ता तो ये जो है ना ये पसंदीदा है और अपने अंदर की नेगेटिविटी को इसी तरह से हमें चैनलाइज करना है कि उसको रश्क में बदलना अच्छा कोई आपने मिसाल आज पढ़ी थी रश्क की एक कोई एग्जाम्पल बताएंगे किसके बारे में पढ़ा था हज के बारे में पढ़ा था जी बाराकल्लाउफी की कि अगर कोई शख्स हज पर जा रहा है और आप भी तमन्ना करते हैं और आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी पॉसिबल कर दे मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे दे मेरे लिए भी वसाइल फराम कर दे या किसी कोई उम्र करने जा रहा है फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा उन्होंने किसके किस से रश किया था किसके बारे में किया था खदीजा रली अल्लाह हालांकि वो उनसे मिली नहीं थी यानी उनकी तो वफ़ात हो चुकी थी जब उनकी जब हजरत आयशा की शादी होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकिन उनको उनके बारे में पता था ना कि उनके लिए उनके लिए जन्नत में मोती के घर की उनको बशारत दी थी जिसमे ना शोर शगफ होगा ना तकलीफ होगी ना ईज़ा की कोई बात होगी तो इस वजह से वो रश करती थी और जब ऐसा आपको किसी के बारे में पता हो ना कि फला शख्स के मसलन नेकी में बहुत आगे है मसलन वो बहुत सदका करता है मसलन वो अः उसने कुरान की आ, को हिफ्स कर लिया है तो आपके अंदर भी एक रश्क आता है कि आप भी करने वाले हो तो करने की क्या जरूरत होती है जब आप किसी की नेमत देखते हैं और आप रश करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए दुआ करें मेहनत करें कोशिश करें ठीक है तो दुआ भी करें और कोशिश करें और मेहनत करें क्योंकि कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के नहीं मिलती आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है तभी जा करके आप वो चीज हासिल कर सकते हैं ना जी ने अपनी भी मिसाल दी थी ना कि आप किसी और आप देखिये सहाबक राम में हम ये चीज देखते हैं वो सहाबक राम में भी ये होता था कि वो रश्क करते थे ना वो किसी को आगे देखते थे नेकी में, में आगे बढ़ते हुए तो उनको क्या होता था कि हम भी आगे बढ़कर नेकी कर लें और वो नेकियों में एक दूसरे से कम्पीट करते थे और वो रश के बिना पर करते थे उनको ये नहीं होता था कि फला की जो नेकी है ना वो चली जाए या फला की जो नेमत है वो चली जाए जी आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है सबकून अलावलून बनना होता है फिर हसद और रश्क में फर्क क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंसान दूसरे से नेमत के छिन जाने की ख्वाहिश करे और खुद उस नेमत में नगबत करे यानी ये चाहे कि वो नेमत उससे जाए हो जाए और उसे मिल जाए और और मिल हसद की गई है फिर रश क्या है कि आप ये ना चाहें कि उससे ये नेमत छिन जाए और ना ही आप उसके पास नेमत के होने को नापसंद करें बल्कि आप चाहें कि आपको भी नियमत मिल जाए जबकि रश को पसंदीदा करार दिया गया आप देखिए जब आप किसी के पास कोई चीज देखते हैं तो उस वक्त ना वक मैंने देखा कि लोगों के अंदर ना हसद उस वक्त भी आ जाता है जब उनकी अपनी जिंदगी में ना किसी चीज की महरूमी होती है मसलन किसी के वालद हैं बहुत कम उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए अब जब वो किसी के भी वालदेन को देखते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता कहते हैं कि मेरे तो इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए और फला शख्स जो है वो उसके वालदेन अभी भी मौजूद हैं और मैं उससे महरूम हूं तो अम्म उस वक्त अपने वालदेन को याद करके अपने वालदेन के लिए दुआ कर लेना या ये दुआ कर लेना कि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे अच्छी बन जाऊं या ये कि मेरी जिंदगी में मसन वालदेन नहीं है लेकिन अल्लाह तला ने मुझे सास सुसर दिए हैं मैं उनको उस तरह से ट्रीट करूं तो वट इज द की पॉइंट यानी जब आप किसी के अंदर भी कोई चीज देखें तो इस फीलिंग को हसद की जो फीलिंग है वो रश्क में किस तरह से आपके अंदर आ सकती है है यानी जो पॉजिटिव सोच वो कैसे आप अपने अंदर लेकर के आएंगे अपना सेल्फ एनालिसिस जैसे उस्ताजा ने कहा ना कि अपने साथ वक्त गुजारिए और अपनी ब्लेसिंग्स को लिखिए अपनी नीमतों को लिखिए कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज से नवाजा है दसन, अम, मुझे अगर अल्लाह तला अल्ला बच्चों से नवाजता है किसी को नहीं नवाजता किसी को मसलन बहुत ख्वाहिश होती है बेटी की और उसको बेट, बेटे मिल जाते हैं किसी को अल्लाह ताला जो है वो बीमार बच्चे दे देता है तो हम कब यानी अल्लाह ताला की जो दी हुई नेमतें हैं उसको कब नेमत समझेंगे हम क्या सोचेंगे अगर हमें खुदा न खासा किसी को ऐसा बच्चा यानी अल्लाह ताला देता है अपने फजल से देता है जो कि स्पेशल नीड्स है और वो ये सोचने लग जाए कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ बे इंसाफी की है और फला फला का बच्चा तो देखे कितना वो होशियार है कितना समझदार है कितना इंटेलेक्चुअल है कितना इंटेलिजेंट है और मेरा बच्चा जो ये और ये और ये नहीं कर सकता तो ये क्या होगी ये सोच क्या होगी ये ना है क्यों क्योंकि अल्लाह सुफाना तला के हर फैसले में हमारे लिए एक तो हिकमत भी होती है दूसरा ये कि उसमें खैर भी होता है अल्लाह को पता होता है कि किस बंदे को क्या देना है और उसके अंदर से जो उसकी पोटेंशियल है वो किस तरह से निकालनी है तो हो सकता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी महरूमी हमारे साथ हो लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें और बहुत सारी नेमतें भी दी हों और हमारी नजर जो है वो उन नेमतों की तरफ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें और फिर आप देखें कि ये दुनिया जैसे कल हमने देखा था ना कि ये दुनिया की जो जिंदगी है वो कितनी है हम्म कितनी है यानी जब क़यामत के दिन इंसान को लगेगा कि मैं तो शायद सिर्फ यानी कुछ घड़ी ही वहां पर गुजार के आई शायद दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही मैंने गुजारा दुनिया में तो इस छोटी सी दुनिया के लिए हम कितना ज्यादा फिक्र करते हैं और कितना ज्यादा आप देखें अगर आपको दूसरों की नेमत पसंद नहीं आती ना या आपकी जिंदगी में किसी किस्म की महरूमी है कोई नेमत है जो आपको नहीं मिली किसी और को अल्लाह ताला ने माल दे दिया आपको नहीं दिया किसी को औलाद दे दी आपको नहीं दी किसी का शोहर बहुत अच्छा है बहुत अच्छी पोस्ट पर है और आपका नहीं है किसी को मोहब्बत मिलती है शोहर से किसी को नहीं मिलती अगर इस किस्म की कोई भी महरूमी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो फिर ये सोचें कि अल्लाह ताला अ, इससे बेहतर कम्पनसेट करेंगे के दिन अगर मैंने इस वक्त में अल्लाह तीन अल्लाह तला के फैसले पर राजी हूँ तला की तक पर राजी हूँ होकर के जिंदगी गुजारेंगे आप अल्लाह ताला की तकसीम पर, पर राजी हो जाएंगे और यूसुफ अम की जिंदगी में आप देखते हैं कि हम जब उनकी पूरी स्टोरी पढ़ते ना अहसनस है वो आप लोगों ने थर्टीन जो में पढ़ा तो हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल से वो गुजरते जा रहे हैं गुजरते जा रहे हैं लेकिन वो क्या चीज है जो उनको पॉजिटिव रखती है थ्रू आउट अल्लाह का फैसला है अल्लाह के जिन से हो रहा है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है यानी अजीज मिसर के घर में जाते हैं वहां पर उनके लिए टेस्ट हो जाता है फिर वहां से यानी जेल में जाते हैं वहां पे उनके लिए टेस्ट है इतने अरसे तक वो वहां रहते हैं फिर जब अल्लाह ताला उनको सारी नियमतें दे भी देते हैं तो फिर क्या होता है फिर उनकी दुआ क्या होती है वलअली फिर दुनिया या अल्लाह तू मेरा दोस्त है इस दुनिया में मेरा वली है दोस्त है दुनिया में भी और आखरत में भी तवफनी वो, वो क्या चाहते हैं कि मेरी मौत इस हाल में आए कि मैं फर्मा बरदार हूँ यानी सारी नियमतें मिलने के बाद भी उनका कनेक्शन अल्लाह सफान तला से स्ट्रॉन्ग था और वो अल्लाह यानी एक नेक कंपनी मिलने के मरने के बाद भी एक नेक कंपनी की दुआ करते हैं तो सुबहानल्ला आप देखिए कि जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए इस दुनिया में रहते हुए और जितना मजबूत होगा ना तो कोई भी कमी होगी जिंदगी में तो उसका एहसास हमें नहीं होगा कि मैं बहुत महरूमी का एहसास में मैं रहूं मैं और मैं हर वक्त मूड ऑफ रहूं और मैं हर वक्त रोती रहूं कि मुझसे तो ये और ये और ये छीन लिया गया नहीं आप पॉजिटिव रहें कि अल्लाह ताला ने मेरी आजमाइश की है और मुझे इस आजमाइश में पूरा उतरना है और अल्लाह ताला के जो फैसले हैं वो हमेशा हमारे हक में अच्छे ही होते हैं और अल्लाह ताला ने जो चूज किया मेरे लिए वो बेस्ट है वो बेस्ट है जब आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखेंगे ना तो फिर आप पॉजिटिव रहेंगे और आप अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकेंगे आप दूसरों की नियमतों को देख करके जले कोड़ेंगे नहीं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है आप ये सोचेंगे आप उन दुआ करेंगे अपने लिए और फिर आप अल्लाह ताला से उसका फजल मांगेंगे और आप ये सोचेंगे कि इसके बदले अल्लाह मुझे क्यामत के दिन ज्यादा यानी बहुत इतना बढ़ा के देंगे कि इंसान के, के तस्वुर से भी ज्यादा होगा इनशाला हमने ये भी देखा कि हमें जैसे हदीस से पता चलता है ना कि दो चीजें ऐसी हैं जिस पर रश्क जायज है और वो क्या है दो आदमियों पर रश किया जा सकता है एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक का इंडिया और रात के घड़ियों में उसके जरिए क्याम करता है मसलन किसी ने कुछ हिस्सा कुरान का याद कर लिया हिफ्स कर लिया या कुरान का उसके पास इल्म है और फिर वो रात के घड़ियों में जब सब सो रहे होते हैं वो उसके साथ क्याम करता है लंबा लंबा क्याम करता है और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो दिन रात इससे सदका करता रहता है तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो आप देखते हैं उनको और वो आगे बढ़ते हैं नेकियों में तो फिर इनसे रश् जायज है फिर क्या करीबी रिश्तेदारों में भी हसद मुमकिन है ऐसा होता है जी सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदारों में ही ये नजर आता है कि इंसान को अच्छा ही नहीं लगता मसलन आप देखें कि जैसे वाले होते हैं ना अगर वाले जैसे एक माँ है वो फौत होती है और उसके पास उनके पास बहुत सारे जेवर होते हैं ठीक है ना अब वो क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है अब वो तो तकसीम हो जाने यानी जो विरासत की जो तकसीम है वो तो किसी के मरने के बाद ही हो जाती है अब अगर बे बेटी है दो बेटियां हैं और एक भाई है तो बेटियां ये ना चाहे कि भाई के पास जाए क्यों क्योंकि वो तो फिर उसकी बीवी को मिल जाएगा उसकी बीवी को के मजे हो जाएंगे और वो नहीं चाहती कि भाभी के पास जाए तो इस किस्म की चीजें जो है ना ये अल्लाह ताला की तकसीम और अल्लाह ताला के हुक्म से पर इतराज करना है कि जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए फिर आगे हमें इससे एतराज नहीं होनी चाहिए होना चाहिए कि ये उनको क्यों मिल गया फिर लोगों की खैर इसी में है कि वो डैश ना करें क्या ना करें रश्क ना करें या हसद ना करें हसद ना करें भलाई है फिर इसके हमने नुकसानात भी पड़े थे कि इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं हास्त को भी होते हैं और जिससे हसद किया जा रहा है उसको भी होते हैं हास्त को गम और परेशानी लाइक रहती है और इंसान जब गमगीन रहता है परेशान रहता है तो क्या वो अपनी नेमटो को इंजॉय कर सकता है जो अल्लाह ताला ने उसको दी हुई होती हैं वो नहीं एंजॉय कर सकता क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की नेमतों को देख रहा है उसको अपनी नेमते नजर ही नहीं आ रही बल्कि जीरो लग रही है और फिर वो अल्लाह ताला से भी बदगुमानी करने लगता है अल्लाह ताला के बारे में भी कंप्लेन करने लग जाता है कि मसलन आप देखें कि आप अगर ना ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पे मौसम बहुत अच्छा नहीं होता इस पर भी लोग हसित करते हैं मौसम अच्छा नहीं है बहुत यानी एक्सट्रीम वेदर है ठंड होती है गर्मी बहुत ज्यादा होती है फिर कोई शख्स है जो अच्छे मौसम में रहता है कैलिफोर्निया में या डिएगो में पे पूरे साल डिग्रीज़ रहता है वहां तो हर वक्त उसी पे कंप्लेन करते रहना आप तो वहां रहते ना तो वहां का मौसम बहुत अच्छा है हमारे पास तो मौसम इतना खराब है जब देखो स्नो पड़ती रहती है मसलन स्नो पड़े सर्दी हो अच्छा मौसम हो ये सब अल्लाह ताला की ही तकसीम है ना अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिस्क एक जगह पर रखा है जिस जगह पर रखा है वहीं रह रहे हैं और जी अल्लाह ताला की रहमत भी है तो इस पर भी इंसान को जलना कोड़ना नहीं चाहिए है कि, कि किसी और को अच्छा मौसम इंजॉय करने को मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा फिर हसद का अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ खींचना क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगता है जैसे हमने इबलीस की मिसाल पढ़ी जैसे हमने हाबील काबिल के किस्से में पढ़ा फिर शरीयत की मुखालफत करना अल्लाह ताला के फैसले पर नाराजगी करना बहुत ज्यादा यानी ये चीज आप देखें कि अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं होना अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होना क्योंकि जो कुछ हमारे पास है या नहीं है वो सब अल्लाह त का, का ही फैसला है जी वाय मी कहना कि मेरे ऊपर अगर कोई टेस्ट आ गया तो क्यों अल्लाह ताला ने मुझे क्यों आजमाया फिर अल्लाह ताला की तकसीम पर अल्लाह ताला की मुखालफत करना फिर इरतदाद तक ले जाना जैसे अपने कईम कहते हैं ना कि कुफर के चार अरकान हैं और उसमें क्या था तकबर हसद गजब और शहबद यानी हसद भी कुफर के अरकान में से फिर निफाक की अलामत है हासिद का दिल स्या हो जाना फिर हासद का अल्लाह तला का जिक्र ना करना ये इंसान को अल्लाह ताला के जिक्र से भी गाफिल कर देती है नाउज बिल्ला फिर किस तरह से बचें हम ना सबसे पहले ये कि हसत का बदल रश कहे चैनलाइज कर दीजिए इस इमोशन को नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में और अल्लाह ताला से दुआ करके कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने यानी अपना फजल दे और फिर अगर किसी के पास आप कोई नेमत देखते हैं तो उनको भी दुआ दें दे अल्लाह बैरिक अल्ला बैरिक फी की या फिर बैरिक वजर यानी उनको बरकत की दुआ दें ताकि उनकी जिंदगी में भी बरकतें हो आप देखें जब आप दुआ देते हैं ना आपका अपना दिल खुलता है आपके अपने दिल में खुशी होती है एक नेकी की खुशी होती है दूसरों को दुआएं देने की खुशी होती है दूसरों के लिए अच्छा चाहने की खुशी होती है और अगर आप यानी किसी से चाहते हैं कि वो छिन जाए तो फिर क्या होता है कि दिल और ज्यादा तंग होने लगते हैं फिर ईमान लाने से हसद से तहफ मिलता है ईमान को बढ़ाने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने की कोशिश करें फिर अखलास इخ, इخ, अपनाना सिर्फ अल्लाह तला की खातिर अल्लाह तला से ही दुआ करें अल्लाह तला से ही मांगे अल्लाह तला से ही यानी कोई चीज आपको बहुत ज्यादा भी पसंद है तो फिर अल्लाह से ही दुआ करें फिर हसद से बचने के लिए नसीहत और या दहानी के जराये इख्तियार करना और फिर कुछ दुआएं थी जो हमने पढ़ी थी ना कि बुरे पड़ोसी और बुरे जौद से पनाह मांगना अल्लाह मैन आहद बी कर ये जो दुआ है आपको कुरानी और मस्तून दुआओं की किताब में मिल जाएगी या कुरानी जो दुआएं हैं उसमें मिल जाएंगी फिर बख्शिश और अहल ईमान के लिए बख्स से बचने की दुआ फिर हिफाजत की दुआ

और फिर क्या है कि इंसान अल्लाह सन्ना तला से क्या मांगे अल्लाह तला से उसका फजल मांगे क्योंकि हमें पता चलता है ना आयत नंबर थर्टी टू से आ, की, वत, वला मा बादुकुम और जो कुछ अल्लाह ने तुमको किसी दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो करो बस अलफली अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगा करो तो अल्लाह तला से अः के फजल की दुआ क्या है अल्लासा वह इनकू अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत और फजल का सवाल करती हूँ बेशक तेरे इन दोनों यानी रहमत और फजल पर किसी और का इख्तियार नहीं तो हमेशा अल्लाह तला से ही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तमें नवाजे क्योंकि हर फजल अल्लाह साल की तरफ से ही है और एक बहुत अच्छी सी दुआ मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अल्लाह तो कल भी बीमा लई सली अल्लाह ताला मेरे दिल को ऐसी चीज से ना जोड़ दे यानी ऐसी ख्वाहिश ना हो जाए मेरे दिल में ऐसी चीज के लिए जो मेरी है ही नहीं मुझे अल्लाह ताला राजी कर दे उस चीज से जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए रखा है इंशाल्लाह चलिए यहीं पर हम अपने सेशन का अख्तितम करते हैं सुबह व बिहमदिका फिर मन तब इनशा आप लोग तकबीरात सुने और तकबीरात के बाद हम अपने दौरे कुरान के सशन की तरफ चलते वरहमत लाबरक